हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेनू मैम, इरापुर पब्लिक स्कूल से। आप 3 क्लास के बच्चों को पिछले वीडियो में चैप्टर 1 ऐसे सूरज आता है, पूरब का दरवाज़ा खोल ऐसे सूरज आता है शीर्षक कविता को पढ़ाया गया था। उसका मौखिक क्वेश्चन आंसर और मूल्यपरक क्वेश्चन आंसर तक आप लोगों को लिखा दिए थे। ऐसे सूरज आता है कविता से आपको क्या सीख मिलती है लिखा दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसको याद कर लिए होइएगा, फेयर की कॉपी पर लिख भी लिए होइएगा। उसके बाद है दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाना है। तो शुद्ध शब्द जो होगा इसका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग कॉपी पर लिख कर उसको बार बार लिखिएगा ताकि आपको सही शब्द याद हो जाए कि सूरज कैसे लिखाता है। उसको 3 से 4 बार लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे लिखाता है। ऊपर सूरज लिखा हुआ है ऐसे, यह गलत है, यह सूरज गलत है, सूरज ऐसे लिखाएगा। स में दीर्घ हो, र ज सूरज होगा। धरती ध र त दीर्घ है कि धरती होगा। इसको आप लोग बार बार लिखिएगा जितना आपके कॉपी में लिखा सकता है, 3 बार 4 बार, कम से कम 3 टाइम तो जरूर लिखिएगा ताकि याद हो जाएगा। सूरज के बाद पर्वत है, नहीं सॉरी, सूरज के बाद धरती, उसके बाद में चिड़िया। चिड़िया में च हर्षई, अंग वाला र हर्षई, य आकार चिड़िया, दोनों में हर्षिकार की मात्रा होगा। सुस्ती में स हर्ष उ, सत संयुक्त दीर्घिकार, इसको भी 3 टाइम लिखिएगा। गर्मी में ग म दीर्घिका रे, इसको भी 3 टाइम लिखिएगा, गर्मी हो जाएगा। इस 3 टाइम लिखने के बाद आपको याद हो जाएगा कि कैसे लिखना है। उसके बाद है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे आपका और भी कई, आपको और भी कई नामों से घर में पुकारा जाता होगा, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सूरज को सूरज समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द सूरज को कहेंगे भानु। इस पर सही का निशान लगाइएगा, इसमें पहले से लगा हुआ है। फिर सूरज पर सही का निशान लगेगा, यही सूरज का भानु और सूरज दोनों समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होगा। पर्वत, उसके बाद में पर्वत है, पर्वत का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पहाड़। फिर रह हर्षई गिरी होगा, गिरी। उसके बाद है धरती का पर्यायवाची शब्द धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द धरा, इसमें है। और भूमि पर्यायवाची शब्द है। जो पर्यायवाची शब्द यहाँ मैं लिख देती हूँ उसी को फेयर की कॉपी पर लिखिएगा, जो गलत है उसको फेयर की कॉपी पर लिखकर काटिएगा नहीं, गलत को आप फेयर की कॉपी पर उतारिएगा मत। जो सही पर्यायवाची शब्द है उसी को उतारिएगा फेयर की कॉपी पर, गलत वाला पर्यायवाची शब्द भरवाने के लिए आपको दिया गया है जांचने के लिए, तो गलत जो शब्द है उसको कॉपी पर मत उतारिएगा। उसके नीचे है चांद, चांद का पर्यायवाची शब्द होगा चंदा और चंद्रमा, इसके पर्यायवाची शब्द यही होंगे। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक, फिर वचन पढ़ना है, वचन अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक इसको आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उतार करके याद भी करना है। शायद आप लोग बुक खरीद लिए होइएगा, अगर नहीं खरीदे हैं तो जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश कीजिएगा। बताया गया जैसे बताया जा रहा है आपको
फेयर की कॉपी में ही उतारना है, उतारने के बाद छोड़ नहीं देना है, उसको याद भी करना है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। खेलिए मत, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिएगा। आज के टास्क में यही होगा, रिमेम्बर एंड राइट सी डब्ल्यू। ठीक है, फिर अगले वीडियो के इंतज़ार में आगे के पढ़ाई के लिए। धन्यवाद।